किराना सिम्युलेटर सॉरी सुपरमार्केट सिम्युलेटर के एक और मजेदार से एपिसोड के अंदर स्वागत है आप सभी का। और हम इस वक्त खड़े हैं अपनी सुपरमार्केट के बिल्कुल सामने और हमारा ये किराना का जो धंधा है बहुत बढ़िया चल रहा है। 14 लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हमने इस डेढ़ फुटियो को भी जरा कर लिया था हायर क्योंकि दुकान थोड़ी सी ज्यादा अच्छी चलने लगी जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा हो गए थे तो मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा था। मुझे सप्लाईज भी चेक करनी थी, मुझे यहाँ पर प्राइस भी लगाने थे, बहुत कुछ करना था। इसी चक्कर में मैंने इसको हायर कर लिया। तो इसको हम लोग दिहाड़ी के पैसे देते हैं 250 रुपए। तो ये बंदा काम अपना बढ़िया करता है मगर कपड़े साला ऐसे पहन के आता है जैसे एलोन मस्क हो। चलो हम लोग आज का स्टोर को शुरू कर देते हैं, आज मतलब दुकान खोल देते हैं एक बार। चल भाई खुल जा। ओके दुकान खुल चुकी है। सामान थोड़ा थोड़ा कम है तो वो अपने को एडजस्ट करना है, मतलब सामान एडजस्ट किया मंगा के यहाँ पर पूरा रिफिलिंग करके रखना है। तो भाई देखते हैं आज हम लोग कितने डॉलर कमा पाते हैं। 800 हमारे पास हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आज अपने को रिस्टॉक करनी पड़ेंगी। फिलहाल के लिए अपने पास यहाँ पर दूध पड़ा हुआ है तो मैं दूध को तो जरा फुल ये कर ही देता हूँ। भाई दिक्कत यहाँ पर क्या आती है, मुझे पूरा सामान खाली होने के बाद वापस फेंक के आना पड़ता है और यहाँ पर मुझे काउंटर के ऊपर से जंप करके जाना पड़ रहा है, ये एक अलग दिक्कत है। ये है हमारे पास चीज़ की तरह रखा हुआ था मैंने ये। अच्छा चीज़ तो वैसे ऑलमोस्ट फुल है यार, ये फुल पड़ा हुआ है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है मैडम ने सामान उठा लिया। अच्छा ये सही है, जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ ये लोग शायद उसी के पास जाएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे सामान उठाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, कॉफ़ी पीनट बटर है शायद, ये पीनट बटर। वैसे अगर अपना ये वाला लॉकर रूम भी खुल जाए ना तो हम लोग इसके अंदर स्टॉक अपना रिफिल करके रख सकते हैं। कस्टमर इज वेटिंग। अरे मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे ये कस्टमर ये चेक बंद करना पड़ेगा चेकआउट इसका। चलो ठीक है देखते हैं इन्होंने क्या लिया। ए ठीक है ओके ओके चलो इनके ये हो गए। कितने पैसे दिए इन्होंने, 31। ठीक है मुझे इनको वापस करने हैं $4 वापस करने हैं। 1 2 3 4 चलो मैडम। कुडंट फाइंड ऑलिव ऑयल मुझे ऑर्डर करना है, मैं लिस्ट में लिख लेता हूँ जरा। चलो ये कार्ड वाला तो बहुत बढ़िया भाई, 7.20 लीजिए सर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है दोनों ऐसे आधे कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं आधे उसके पास आ रहे हैं तो ये चीज़ भी सही है। वैसे जो लोग भाई कार्ड देते हैं ना उनसे तो मुझे प्यार ही हो जाता है। चलो भाई मुझे ऑलिव ऑयल ऑर्डर करना है, मुझे यार शायद ऐसा लग रहा है उसको मुझे इधर भेजना चाहिए और मुझे उस तरफ जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर खुद से ऑर्डर कर पाऊंगा ना। उसको उधर भेज सकता हूँ क्या, मैं इंटरेक्ट कर सकता नहीं कर सकता, होल्ड कर सकता हूँ, क्लोज चेकआउट ये ओपन कर दिया। मैं एक काम करूँ इस वाले को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है तो सब लोग इसके पास ही आएंगे तो मेरे पास कोई जाएगा नहीं, ये एक बढ़िया अपडेट है इसके अंदर। अपने को अभी मार्केट के अंदर जा करना भाई ऑलिव ऑयल ऑर्डर करना है तो यहाँ पर अपन ऑलिव ऑयल देख लेते हैं, ये दो मंगा लेते हैं परचेस। चलो भाई ये सामान भी हमारा आ जाएगा तब तक अपने पास। ये देखो मेरे पास पीनट बटर पड़ा है कि नहीं मेरे को वो देखना पड़ेगा, इसको जरा चेक करके। ये तो इसके ऊपर ही रखा हुआ ना, इसको ऊपर ही रखते हैं इसके। ये वाला क्या पड़ा हुआ है, ये जूस, ये सब जूस पड़े हुए हैं क्या, एक दूसरे के ऊपर क्यों पड़े हुए हैं ये सब, ऐसे से क्यों पड़े हुए हैं भाई, एक मिनट मुझे चेक करने दो। जूस ये देखो जूस ऑलमोस्ट खाली हो रखा है और मेरे को प्राइजेस भी चेक करने होते हैं यार। ये एक अलग फंड है भाई मेरे को। और आप ही क्या भाई ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल मैंने कहाँ पर लगाया था, यहीं पर लगाता हूँ, ये खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर ऑलिव ऑयल फिट कर देते हैं। और किसी को भागते भागते डब्बा ना लग जाए भाई, वो दिक्कत हो जाएगी अगर किसी को मैंने जाते जाते ऐसे ही मार दिया तो। मुझे ऑलिव ऑयल का प्राइस चेक करना पड़ेगा वैसे मेरे को लग रहा है। ये बंदा कैशियर हैंडल करता रहे सब चीज़ों को। वैसे ठीक है हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है, डबल ऑलमोस्ट हम लोग प्रॉफिट निकाल ही रहे हैं। चीज़ों का मुझे ये चेक करना होगा यहाँ पर प्राइस किसका बढ़ा है किसका कम हुआ है। तो वो पीनट बटर फिलहाल अपने पास है नहीं, पीनट बटर ऑर्डर मार लेते हैं बहुत सारा तो क्या भाई, एक ही मंगाया मैंने तो, लाइन लग गई भी बहुत सारी। मुझे लग रहा है मुझे अपना इधर काउंटर खोलना पड़ेगा। एक काम करता हूँ पीनट बटर को लगाता हूँ स्टॉक पे और फिर मैं अपना वाला काउंटर पे ओपन कर देता हूँ, नहीं तो इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। इस पर आ जा भाई, तो तब तक मैं ज़रा इसको इधर रख देता हूँ और प्राइस चेक कर लूँ जरा एक बार कितना लगा हुआ। ठीक है प्रॉफिट में जा रहा है, इसको मैं पढ़ा लेना था। मैं जरा ये वाला काउंटर खोल लेता हूँ, ये ओपन। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, आधे बंदे इधर आ जाओ हैं। अबे जो उस लाइन में लग गए वो उधर ही जाएंगे, वो मेरे पास नहीं आएंगे। ठीक है कोई नहीं, चलो जब मेरी लाइन में बंदे आ जाएंगे तो तब मैं जाकर इनको हैंडल कर लूँगा। तब तक मुझे एक बार ज़रा नज़र मारनी है सब चीज़ों पर कि किसी का भी प्राइस मैंने कम तो नहीं रखा ना, सब में प्रॉफिट होना चाहिए बस। और कोई चीज़ ओवर प्राइस भी नहीं चाहिए, ओवर प्राइस होती है तो भी ये लोग ये कर देते। कांट फाइंड फ्लोर, आटा नहीं मिला इसको। एक मिनट, आटा शायद पड़ा है, आटा ऊपर ही क्यों होना चाहिए, ये आटा, ये दो मंगा लेते हैं। तब तक मैं आटे का स्टॉक फुल कर देता हूँ। कस्टमर इज वेटिंग, ठीक है चलो मेरे पे एक कस्टमर आ गया। चलो इसका भी हिसाब है भाई, कितने सारे जूस ले रहा है, चाय पत्ती ले ली और कोल्ड ड्रिंक ले ली। चलो बढ़िया कार्ड दे दिया, बहुत ही बढ़िया, 25.90 ले लीजिए सर। चलो ठीक है अभी अपने पास कस्टमर नहीं ना, मैंने जो आटा मंगाया उसका रीस्टॉक फिल कर देता हूँ, स्टॉक फिल कर देता हूँ, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ। चल भाई भाई हाँ ये लग गया, और दूसरे आटे का डब्बा भी उठा के फिल कर देते हैं, इसको इधर लगाते हैं।
तब तक जब तक मेरे वाले काउंटर पे कोई है नहीं, यहाँ पर क्या लगा हुआ था भाई यार। असल में ना एक चीज होनी चाहिए थी इसके अंदर ना, यहाँ पर दिखना चाहिए था कौन सी चीज जो है अपने पास स्टॉक में नहीं है। एक सेकेंड भाई, रात का टाइम हो गया और कस्टमर आके वेट कर रहे हैं अपने इस पे। ओके भाई लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी, अंधेरा हो गया बहुत। 22:50 मैं ज़रा लाइट ऑन कर दूँ, मैंने यहाँ पर लगाई तो थी यार लाइट। ओ ओके इधर लगी हुई है। ओके हाँ जी, दूध के 3 पैकेट भाई ठीक है। 7:50 ओ मैं गलत कर दिया, 50 चलिए। चल भाई ला इसको देने 36 वापस, ये 20, 30 और 35 और 36। चल भाई यहाँ पर ये वाला क्या है भाई, कॉफ़ी, कॉफ़ी ख़त्म हो गई। तो यार अपने को ना भाई थोड़ा स्टोर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कॉफ़ी पड़ी ठीक है यहाँ पे, ये कोक पड़ा हुआ है, अंडे पड़े हुए हैं, ये क्या पड़ा हुआ है, कुडंट फाइंड जैप सोडा। जैप सोडा कौन सा है अब, अबे भाई को सोडा वोडा भी ख़त्म हो गया भाई। रुको ये बंदे ने आटा लिया, एक तो अपने को इसको देखना पड़ेगा कि 10 रुपये इसको वापिस दिए, इसने बहुत सारा सामान लिया भाई, बढ़िया। क्या वापस करना है इसको, 22:90 जो मुझे कोई कार्ड देता है। जैप सोडा नहीं मिला और बासमती राइस नहीं मिला भाई, जैप सोडा और बासमती राइस ऑर्डर मार फटाफट। ये प्रोडक्ट्स के अंदर ये रहे बासमती राइस, ये 2 पैक ऑर्डर कर लेते हैं, और जैप सोडा ये वाला है क्या, इसके भी 2 ऑर्डर मार देते हैं। ये सोडा पड़ा हुआ है, ऑरेंज जूस पड़ा हुआ है, एक स्पेगेटी पास्ता के ये पड़ा हुआ है, ये नहीं मंगाते। एक और चीज़ मेरे को क्या दिखा था, फ्लोर हमने मंगाया था, कॉफ़ी ये डार्क कॉफ़ी का एक मंगा लेते हैं। एक और यार उधर पड़ा हुआ है कुछ तो, सो आई थिंक यही था क्या, ब्लैक वाला ये शायद वो, और तो कुछ यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। पास्ता स्पेगेटी पड़ा हुआ है, बाकी सब तो पड़ा हुआ है, चलो ये ऑर्डर मार देते हैं। ओके अभी ऑर्डर नहीं कर सकते, रात के 9 बज गए, ठीक है ये हम कल करेंगे, अभी फ़िलहाल कस्टमर है जो इनका सामान ले लेते हैं। चलिए मैडम इनको वापस करने हैं 30 सेंट। ओके 10, 20, 30 चलिए। और राइस वाइस मैंने ऑर्डर किया भाई, कल सुबह ऑर्डर आएगा, कल आपको पूरा सामान मिल जाएगा, कल आके ले जाना आप। अरे भैंस की ये क्या हो गया, अरे इसको पैसा वापस करना था भाई, मैंने इधर क्लोज किया ना तो ये भाग के उधर चला गया। चलो वैसे आज का प्रॉफिट हमारा काफ़ी सी है, 800 समथिंग था जब हमने शुरू किया था स्टोर, तो अभी 1454 मतलब हो चुके हैं, तो अच्छा गया अपना आज का दिन ठीक है। अब मैं ज़रा देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें कम है, वैसे एक काम करते हैं अगले दिन शुरू कर देते हैं ठीक है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स थे जो नहीं मिल पाए लोगों को, बाकी सब तो था, सप्लाई कॉस्ट हमारे को 188 पड़ गई ठीक है, अगला दिन शुरू कर देते हैं। और भाई 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 कुछ चीज़ों के प्राइस कम हुए हैं, और सिर्फ मिल्क का प्राइस बढ़ा, तो जिसका प्राइस बढ़ा पहले तो उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। मिल्क मिल्क मिल्क, अरे भाई साहब मिल्क ख़त्म ही हो गया, अबे जीरो, रुको 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 रुको, मिल्क हमारे पास खत्म है तो पहले मिल्क ऑर्डर मार लेते हैं, 4 मंगा लेते हैं मिल्क। और मेरे को अभी क्या ध्यान में आया था, जैप सोडा था, जैप सोडा ऑर्डर कर लेते हैं, अभी ये ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, मैंने 4 कर दिया जैप सोडा ना, 3 कर लेते हैं, परचेज करते हैं ये वाला ऑर्डर। और स्टोर वैसे बंद पड़ा हुआ है ना, इसको ओपन पहले मैंने ये रीफिल कर देता हूँ यार चीज़ें, फिर ये लोग बोलेंगे भाई चीज़ें पड़ी नहीं हैं तुम्हारे इसमें, तो पहले मैं मिल्क को रीफिल कर देता हूँ, और मिल्क रीफिल होने के बाद अपने को इसको इधर रखता हूँ, ज़रा मिल्क का प्राइस बढ़ा देते हैं। देखो 1.5 से 1.5 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 प्राइस मार्केट चल रहा है और मैं 2.5 में बेच रहा हूँ ना, तो अपने को इसको बेचना चाहिए 4.5 में, प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अंडे का प्राइस क्या है, 4 चल रहा है, मैं 4 में बेच रहा हूँ, तो मुझे ये बेचना चाहिए 5 में। हर रोज़ सुबह आके मेरे को पहले ये चेक करना है। पानी का रेट 2.41, मैं 40 में बेच रहा हूँ, तो इसको 3 में बेचते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बढ़वाते हैं अपना भाई, अब बहुत हो गया। ये 3 क्यों आ रहा है, कांट रिमूव लेवल, अच्छा ये लेवल है इसका 2.81, ये देखो ये मैं बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ भाई, मार्केट प्राइस से भी कम में बेच रहा हूँ, मैं सीधा सीधा नुकसान ही करवा रहा हूँ मैं अपना। ये अपन ठीक ही बेच रहे हैं इसका प्राइस तो, इसका प्राइस क्या है जूस का, ये भी ठीक बेच रहा है। जैप सोडा का प्राइस अभी फ़िलहाल 0 हो चुका है। कोका कोला का प्राइस क्या है, ये देखो कोका कोला मैं कितने सस्ते में बेच रहा हूँ यार, ये सब चीज़ें तो नुकसान दे रही हैं मुझे, इसीलिए ये देखो ये भी बहुत कम में बेच रहा हूँ। काफ़ी चीज़ों के प्राइस हैं जो कि कम हुए हैं, बट उसके साथ साथ अंडे का मैंने चेक कर दिया। चलो अभी इधर ये टी का देखते हैं क्या हिसाब है, ये देखो टी का प्राइस भी बहुत कम है, हम वैसे 2 बढ़ा के देख लेंगे सीधा, कोई वैसे बोलते हैं शायद इसके अंदर भी बोलते हैं लोग कि तुमने प्राइस ओवर प्राइस कर दिया है, तो इसका प्राइस 9 कर देते हैं, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए भाई। ये 6 चल रहा है तो हम इसको 8:40 में बेचते हैं। स्पेगेटी
स्पेगेटी वैसे मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते यार मेरे ख्याल से, वो लोग फिर कंप्लेंट करके जाएंगे तुम्हारा चीज़ें महंगी है। ब्रेड भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया भाई, ब्रेड 5 कर देते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस से थोड़ा सा महंगा, ये ख़त्म ही हो रहा है ऑलमोस्ट। यार मेरे को एक कॉपी पेन तो होना चाहिए मेरे हाथ में जिससे कि मैं चीज़ों के रेट वो कर पाऊँ। सुसु का प्राइस 4.70 में बेच देते हैं, एक एक डॉलर का तो प्रॉफिट होना चाहिए भाई, मार्केट से थोड़ा सा तो महंगा बिकना चाहिए क्योंकि अभी हम लोगों ने एक कस्टमर भी मतलब एक एम्प्लॉय भी रख रखा है तो उसकी भी तो फीस निकालनी है ना अपने को, फीस नहीं उसकी जो भी सैलरी है। 5.40 में 5.50 में बेच रहा हूँ, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं, और ये है 2.17, मैं इसको 3 में बेच देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ अपने पास क्या क्या चीज़ें स्टॉक में पड़ी हुई हैं, उन सब को मैं स्टॉक में लगा देता हूँ फिलहाल। हो गया, इसको एक साथ नहीं उठा सकता क्या, पहले इसमें क्या आ जाता हूँ, इसमें देखते हैं क्या है। बासमती राइस यहाँ पे लगाते हैं, इन सब चीज़ों को सेट करके लगाना पड़ेगा, एक साइड में एक चीज़ लगाएंगे तो सही रहेगा। डेली डेली मुझे भाई स्टॉक तो रिफिल करना ही पड़ेगा, ये तो एक है, और साथ में मुझे उनके प्राइस भी लगाने पड़ेंगे। मैं जरा एक बार उसका मुझे प्राइस भी चेक करना है, और जैप सोडा लगाने के बाद मुझे जैप सोडा का भी प्राइस चेक करना है। जैप सोडा का प्राइस 2.60, मैं इसको थोड़ा महंगा बेचता हूँ, उसके बाद मैं इसको भी उठा लेता हूँ, ये इसको रखता हूँ इधर। अब मुझे ज़रा इस चीज़ का भी मैंने क्या लगाया था, बासमती राइस लगाया था ना, बासमती राइस का प्राइस 6.10, मैं 6.10 का बेच रहा हूँ, थोड़ा सा महंगा कर देते हैं इसको। चलो अब इन चीज़ों को मैं बाहर फेंक के आता हूँ। हमारा मिल्क भी ख़त्म हो गया था, तो मिल्क वैसे एक तो मैंने फुल कर ही दिया, तो मिल्क को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। मिल्क के 2 मंगाए हुए हैं, तो बस मैं इनको थोड़ा सिस्टमेटिकली रखूँगा सो दैट मेरे को बाद में ढूंढने में दिक्कत ना हो। एक डब्बे के ऊपर मतलब ये दोनों डब्बे मिल्क के हैं, तो अपने को कोई टेंशन नहीं होगी ढूंढते टाइम, है ना। चलो इसको उठाते हैं। अरे मिल्क मैंने कितना मंगा लिया यार, मिल्क बहुत ज़्यादा मंगा लिया मैंने, साला बाहर पड़ा हुआ फ्रिज के बाहर ख़राब ना हो जाए, ये भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर कोई चीज़ थी जो कि अभी मेरे को पता नहीं क्या है, वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर जूस, एप्पल जूस है और ये जूस, दोनों के दोनों जूस मंगाने पड़ेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, स्टोर ओपन कर देता हूँ, क्योंकि चीज़ें सारी हमने स्टॉक में भर दी हैं। ब्रेड ख़त्म हो रहा था, एक तो अपने को ब्रेड मंगाना है, तो ब्रेड के मैं 4 मंगा लेता हूँ, 1, 2, 3, 4। उसके अलावा ये भी शायद बहुत देर से हमने मंगाया नहीं है, ये ऐड कर लेते हैं। शुगर भी नहीं है हमारे पास सुसु वाला, ये पास्ता इसके कंफर्म 2 नहीं है, तो 2 मंगा लेते हैं। ऑयल तो पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, चीज़ पड़ा हुआ है, कॉफ़ी पड़ी हुई है, कॉफ़ी का फुल है पूरा। अंडे का भी एक मंगा लेते हैं, अंडे का ब्लैक टी बहुत पड़ी हुई है, पीनट का एक मंगा लेते हैं। आटा मंगाया था हमने वैसे तो, ठीक है, ऑलिव ऑयल अभी मंगाया था। पास्ता स्पेगेटी का भी एक मंगा लेते हैं। बासमती राइस वैसे कितना हो गया, 139 है, ठीक है इतना से तो चलेगा। अच्छा नमक नहीं है हमारे पास, नमक के 2 मंगा लेते हैं। उसके बाद ऑरेंज जूस 2 मंगा लेते हैं, एप्पल जूस 2 मंगा लेते हैं। मिल्क वाला अच्छा ये वाला मिल्क अलग है, तो इसके भी 2 मंगा लेते हैं। सोडा वगैरह बहुत हो गया, 139। अच्छा मैक्स मैं इतना ही मंगा सकता हूँ क्या, चलो ठीक है एक ये ऑर्डर मार देते हैं पूरा। अब जो ये जो चीज़ें दिख रही हैं 2-2 वाली, इनको सबको ऐड कर लेता हूँ मैं। सॉल्ट हो गया, ये हो गया, 10 हो गया, फिर से 10 से बड़ा ऑर्डर कर नहीं सकते, तो चलो ऑर्डर हो चुका है। मैं एक बार मेरा जो है क्लोज़ कर देता हूँ सो दैट सभी लोग इसके पास ही जाएं बाय करने के लिए। अब मेरे पास यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है ना, तो मैं पानी का स्टॉक फिल कर देता हूँ। वैसे पानी, हाँ पानी का स्टॉक फिल करने वाला है। क्या नहीं मिला इसको, टोमेटो चीज़ इज़ टू मच एक्सपेंसिव, चीज़ बहुत एक्सपेंसिव कर दिया क्या मैंने। ओके बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कर सकते मतलब, यार वही ये दिक्कत है मेरे को लग रहा है, फिर पूरा कर देते हैं प्राइस, बहुत महंगा करेंगे तो लोगों को दिक्कत है यार। 2 रुपये भी ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग, पता है बहुत लंबी होगी मेरे ख्याल से, मेरे को भी अपना काउंटर खोलना पड़ेगा साथ में। ये बोलेंगे भाई एप्पल जूस नहीं मिला, एप्पल जूस ढूंढना पड़ेगा, रुको मैंने मंगाया है एप्पल जूस। भाई ये सड़क पे क्यों चले गए, एप्पल जूस कहाँ पड़ा हुआ था एप्पल जूस, ये कौन सा, ये तो ऑरेंज है, एप्पल यहाँ पड़ा हुआ था फिर। ओके एप्पल जूस लगा दिया भाई, जाकर देख दोबारा से उसको, ये तो वैसे बहुत पड़ा हुआ है, इसको लगा देते फिर भी यहाँ पे। ठीक है बंदा अपना काम कर रहा है, संभाल रहा है सब चीज़ों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेड देखो ख़त्म हो गया क्या, सही टाइम पे मंगाया मैंने ब्रेड। ये वाला है क्या, कुछ तो एक्सपेंसिव बोल के गई है मैडम। भाई मेरे को प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, प्राइस थोड़ा सा मैं समझ गया, 1 रुपये अभी, 1 रुपये शायद ज़्यादा कर सकते हैं, 2 रुपये ज़्यादा नहीं कर सकते मेरे को ऐसा लग रहा है। ये नमक है, नमक तो ऐसे पड़ा हुआ है बहुत, मेरे को लगा था ये कोल्ड ड्रिंक है भाई, एनर्जी ड्रिंक, बट ये तो नमक है। ठीक है
एक एक्स्ट्रा डब्बा ही हो जाएगा नमक का। इसको मैं ये यहाँ रख देते हैं नमक को यहाँ पर। ये क्या पड़ा हुआ है? स्पेगेटी पड़ी हुई है भाई अपने पास। स्पेगेटी लगी हुई कहाँ पर है? नहीं तो लगी हुई थी स्पेगेटी, मैंने देखा था यार कहीं पर लगी हुई। इस तरफ लगी है तो कोई लगे नहीं यहाँ पर। तो एक सेकेंड काम करते हैं फिर, स्पेगेटी यहाँ लगा देते हैं नीचे। अंडे हैं ना? अंडे भाई बहुत कम बचे हैं। ये कुछ तो बताया भाई इन्होंने, कुछ एक्सपेंसिव है मेरे ख्याल से, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। ये रहना चाहिए, जो भी ये लोग कंप्लेन करते हैं ना वो रहना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, सो दैट मैं देख तो पाऊँ कि क्या दिक्कत आ गई इनको। इसको फेंक देते हैं। ओके ये वाला पानी मैंने कहाँ पर लगाया हुआ था भाई? हीरा पास्ता बहुत महंगा है कह रहे हैं भाई, रात होने वाली है। पास्ता कितना लगाया था मैंने? ये है ना पास्ता नीचे वाला। प्राइस कम करना पड़ेगा भाई, मार्केट प्राइस 7, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकता शायद मैं। फिर जो मार्केट प्राइस है उतना ही बेचना पड़ेगा भाई अपने को, नहीं तो बहुत कंप्लेंट्स आएंगी चीज़ों की। फिर अंधेरा हो गया यार, लाइट तो चला दिए कर छोटे, तेरे को दुकान में रखा है पीछे हो गए, एक बटन ही तो दबाना है तेरे को, क्यों अंधेरे में काम कर रहा है आगल आदमी। ब्रेड ऐसे पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है भाई? अंडे और पड़े हुए हैं अपने पास, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक भी पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। मेरा तो पूरा दिन सामान मंगा के उसको सेट करने में चला, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अभी स्टोर अपग्रेड करने का समय आ चुका है दोस्तों। तो अभी हम लोग ना क्या करते हैं, आज का दिन खत्म होने के बाद कुडंट फाइंड पता नहीं कौन सा ऑयल कह गया, ये ऑनलाइन नहीं मिला नहीं इसको, कौन सा ऑयल नहीं है भाई? एक सेकेंड, दो तरह के ऑयल है ना, ये वाला नहीं मिला उसको, ये दो मंगाते हैं, ऐड करके रखते हैं कार्ट में। चोको ऑलिव ऑयल भी वैसे कम ही बचा है तो ऑलिव ऑयल भी ऐड कर लेते हैं। और चोको समथिंग क्या है, ये कॉफ़ी है एक और चोको, ये रहा दो, इसके ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा ऑलिव ऑयल किधर है? ऑलिव ऑयल भी ऐड करके रखते हैं, ये ऑलिव ऑयल, दो ऑलिव ऑयल ऐड करके रखते हैं, ठीक है। ये कल हम लोग ऑर्डर करेंगे। बाकी सब तो पड़ा हुआ, पीनट बटर ख़त्म हो गया भाई, पीनट बटर शायद मंगाया था मैंने, ठीक है एक काम करते हैं पीनट बटर भी ऐड करके रख लेते हैं। पीनट बटर, पीनट बटर किधर गया भाई? पीनट बटर, हेलो हीरा, दो पीनट बटर, डन। लाइन बहुत लंबी होगी बट ठीक है, ये संभाल रहा है भाई, अभी क्या ही करेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा। व्हाट क्या? हाँ ऑयल तो मैंने ऑर्डर कर दिया दोस्त, टेंशन मत ले, रख दिया इधर। क्या भाई मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही मंगा दिए चीज़ें मुझे लगता है। और ये क्या है फिर? ओह इसका, ये पास्ता का यार, मुझे ये ऊपर रखना है, ठीक है इसको इधर रखते हैं। ऑरेंज जूस लगा दिया, ये भी ऑरेंज जूस पड़ा गया, ये एप्पल जूस है, तो इसको फिर किधर रखूँ भाई मैं? जूस को जब तक हम लोग वो नहीं करते भाई पता नहीं चलता किधर रखें कॉर्नर में, अभी क्या ही करें, जब तक हमारा वो ओपन नहीं होता तब तक हम लोग नहीं रख सकते भाई। अंडे, अंडे को भी रिफिल कर ही देते हैं। अभी अगला दिन शुरू करेंगे तो फिर से चीज़ों के प्राइस ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो फिर से मुझे सब प्राइस लगाने पड़ेंगे। इसको मैं बाहर के रोक रहा हूँ भाई, कस्टमर भाई हैंडल कर जल्दी से, ठीक है। मुझे इस बंदे को भी सैलरी देनी है यार, इससे हम लोग इतना काम करवा रहे हैं तो इसकी सैलरी का भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा। देखा मेरे को लगा था मैंने पीनट बटर मंगाया, तो पीनट बटर हमारे पास एक पड़ा हुआ था, चलो ये सही हो गया। ऑल राइट भाई, बहुत सारा काम किया आज हम लोगों ने। अब जो जो चीज़ें पड़ी हुई है पहले उनको मैं रिस्टॉक फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, वैसे भी शेल्फ खाली पड़ी है ना, तो मैं पूरी चीज़ें लगा ही देता हूँ यार, सो दैट ये डब्बे तो खाली हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। ये हो गया, अब ये अंडे, अंडे 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 को मैं इधर रखता हूँ, जो इधर की चीज़ें उनको इधर ही रखते हैं, ये इधर रखते हैं अंडे। ये पानी, पानी मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया होगा क्योंकि हमने बहुत कम ही यूज़ किया था, ये दो ही बची हैं यार बॉटल्स, खाली खाली में रख दिया। ओके ऑल राइट भाई, मेरे पास जितना सामान आ सकता था शेल्फ्स के अंदर मैंने और फ्रिज के अंदर रख दिया है। अब आज के दिन को हम लोग फिलहाल एंड करते हैं, ठीक है एंड किया है, देखते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिले लोगों को, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव लगे 35, मतलब सब चीज़ों के प्राइस मुझे रीचेक करना पड़ेगा और नए प्राइस लगाने पड़ेंगे। आज का बैलेंस हमारा 400 में प्रॉफिट हुआ क्योंकि बाकी मैंने सामान मंगवा लिया, तो 1800 हमारे पास फिलहाल हो चुके हैं। सोडा का प्राइस बढ़ा है और पानी पानी का कम हुआ है, ठीक है। तो जो जैप सोडा है उसका प्राइस अपने को थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। 3.12, 3.65 में बेच रहे हैं यार, पूरे 4 में बेच देते हैं, अभी क्या करें ज़्यादा, मुझे एक बार तो सबके प्राइस ही चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और पानी के प्राइस ने बोला कम हुए हैं तो 2.35 रह गया है, दो पानी
तीन में बेच सकते हैं वैसे तो, पूरे तीन में बेच के देखते हैं ठीक है। अब हम मैं सब चीज़ों के भाई प्राइस थोड़े रीसेट करने वाला हूँ दोबारा से, तो ज़्यादा हम लोग वो नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस से एक के अंदर अंदर ही ज़्यादा हम रखेंगे ठीक है। इसका मैंने कर दिया, तो ये मैं पूरे चार में कर देता हूँ। ये पानी का हो ही गया, ये महंगा नहीं बेच सकते, चार तक मैं बेच सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आज के दिन में एक भी कंप्लेंट आए अपने को ठीक है। इसीलिए ना मैं सब चीज़ों के प्राइस दोबारा से सेट कर रहा हूँ, आज अपने को कोई भी कंप्लेंट नहीं चाहिए। इसका प्राइस तो सेट ही है, कम ही है, मतलब 385 थोड़ा ज़्यादा है, 3 कर देते हैं पूरा। ये ब्लैक टी का प्राइस बहुत ज़्यादा कर रखा है मैंने, इसको 5 में बेचते हैं पूरा। राइट, मैंने सभी चीज़ों के प्राइस सेट कर दिए हैं गाइस। अभी अपन पहले यार ये देखते हैं कि इस बंदे को सैलरी कैसे देनी है, क्योंकि मुझे इसको सैलरी देने का हिसाब समझ नहीं आ रहा कहाँ से देनी है भाई। ऑप्शन ही नहीं है गाइस, किसी को पता है तो बताना, मैनेजमेंट में होना चाहिए वैसे। हाँ यहाँ पर है, ओके ठीक है। अपने को बिल देख लेते हैं, बिल में आया होगा, ये बिल पे करना है, ये भी बिल पे करना है, ये बिल हो गए सारे के सारे। ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं, सेक्शन 4 पे हमारा लेवल चला जाएगा, ये परचेज़ करेंगे तो $1300 है भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जिससे कि एक्सपेंड कर पाएंगे हम लोग। और सेक्शन 3 चाहिए होगा, वो सब हमारे पास है जो भी इसके लिए चाहिए, ये परचेज़ कर सकते हैं हम लोग मैनेजमेंट। तो अभी ये रहने देते हैं, इस बंदे को हमने हायर किया हुआ है, ये स्टोरेज में देखते हैं, परचेज़ कर सकते हैं 800 की स्टोरेज लॉक्ड है। मेरे ख्याल से स्टोरेज परचेज़ कर लेनी चाहिए, स्टोरेज मैंने परचेज़ कर ली, पैसा चला गया काफ़ी ज़्यादा। स्टोर का नाम चेंज करना है तो 250 लगेंगे, ठीक है कर लेना चाहिए क्या स्टोर का नाम, अभी नहीं करते बाद में करेंगे। अच्छा अभी हम लोग लाइसेंस परचेज़ कर सकते हैं और चीज़ों के, जैसे कि कोक आ जाएगा, कैंडी आ जाएगी, ये सब चीज़ों से हमारा और चीज़ें ऐड हो जाएंगी हमारे स्टोर के अंदर ठीक है ना। तो यार फिलहाल इसको मैं सैलरी देना चाहता था, वो मैं कर नहीं पाया, बट मैंने स्टोर एक्सटेंड बाय की स्टोरेज, ओके स्टोरेज मिल गई अपने को, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ के स्टोरेज रख सकते हैं, बट स्टोरेज का फ़ायदा क्या होने वाला है, स्टोरेज से शायद रीस्टॉक अपने आप हो जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा ये लॉक्ड क्यों है, मैंने बाय तो कर लिया भाई, पता नहीं। चलो ठीक है आज का दिन शुरू करते हैं हम लोग, और ओके परफेक्ट। वैसे आज कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, मेरे को ऑर्डर मारना है, मैं फटाफट ऑर्डर मैंने ऐड करके रखा हुआ था कार्ट के अंदर, तो इसको बंद करते हैं, मार्केट में चलते हैं, जो जो चीज़ें ऐड करी हैं उन सबको ऑर्डर मार के रखते हैं स्टॉक में ठीक है। चलो भाई बंदा तो आ भी गया पहला हमारा, ये ऑयल नहीं है सबसे पहले तो इस ऑयल को मैं यहाँ रखता हूँ ऊपर, उसके साथ मुझे इसका प्राइस भी देखना है मैंने कितना लगा रखा है भाई, बहुत ज़्यादा ही लगा रखा है मैंने, इसको पूरे 7 में बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेचूँगा। ओके ये चोकोपिक्स, चोकोपिक इधर फुल कर देते हैं पूरा, परफेक्ट। इधर रखना है जो चीज़ यहाँ की है उसको वहीं पर रखना है, इसको उठाते हैं तो इधर रखते हैं, ये मैच नहीं कर रहा इसके डब्बे के साथ, ठीक है इसको सेट करके दोबारा लगा देंगे, कोई इसके मैच वाला डब्बा जब आएगा तो उसको सेट कर देंगे हम लोग। यहाँ फुल कर देते हैं, यहाँ फुल कर देते हैं, परफेक्ट। इसको बस मुझे इधर प्लेस करना है, फिलहाल के लिए ऐसे ही प्लेस कर देता हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए संभाल ले मेरे को, बस ये जो सामान है ना इसको स्टॉक में रीफिल करने दे, फिर मैं आता हूँ यार उसकी हेल्प करने के लिए, वो अकेले पे भी इतना बर्डन नहीं डाल सकते हम लोग। इसमें भी नहीं आ रहा है, ये कौन से डब्बे में आएगा यार, कितने टाइप के डब्बे हैं इसमें, ऑलिव ऑयल बहुत सारा है भाई, बहुत सारा मंगा लिया मैंने ऑलिव ऑयल। चलो ये रख दिया, अरे कोई एक और उठा लो भाई, नीचे रख देता हूँ अभी, शायद ये इसमें आ दे, इसमें भी नहीं आ रहा भाई, ये इस डब्बे के साथ नहीं आ रहा मुझे, थोड़े पीनट बटर पड़ा हुआ, पीनट बटर वैसे तो पर कर देते हैं रिफिल, ठीक है इसमें आएगा क्या पीनट बटर वाले में, भाई इसमें भी नहीं आ रहा यार, कौन से डब्बे में आएगा ये पीनट बटर का, एक पूरा का पूरा खाली डब्बा है, इसको मैं इधर रख देता हूँ ये यहाँ पर। गाइस किसी को पता है कि ये वाला रूम कैसे अनलॉक होगा तो मुझे बताना, ये कमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अपने को, तो कोई भी मुझे बताओ यार कि वो डब्बा वो कमरा कैसे अनलॉक होएगा। अब मुझे साथ में ये भी देखना है, ओके परफेक्ट, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। क्या पेंजीर, क्या 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 पेंजीर, कुछ तो बोल के गया वो, कुछ चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है क्या। चलो भाई कस्टमर आए हैं, ये हुआ बहुत सारा सामान है, ऐसे लिया करो यार चीज़ें। हाँ जी कैश में इसको 280 वापस करने हैं, 1, 2, 50, 20। ओ वेट ये क्या हो गया, ओ शिट 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 कर दिया था नुकसान मैंने। ओके 280 यहाँ से करना है, 50, 80 करना है ना, 10, 20, 30। चल भाई हेलो, हाँ जी, अबे इसमें भी नहीं आ रहा भाई, अबे रात तो हो ही गई यार, एक मिनट लाइट ऑन, ये करेगा नहीं मेरे को, करनी पड़ेगी
ये तो छपरी कभी लाइट ऑन नहीं करेगा। ओके अब ये अपने को यहाँ पर देखना है चोकोपिक्स, चोकोपिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म है भाई, चोकोपिक्स मंगाना पड़ेगा और मिल्क भी, वो वाला मिल्क भी ठीक है, चोकोपिक्स और मिल्क। बॉटल वाला मिल्क किधर है? सही टाइम पे ऑर्डर मार दी मैंने। ओके ऑर्डर करते भाई चीज़ तो आ जाती है। अबे ये तो पड़ा हुआ है मैंने, क्या क्या क्या, अबे गलत चीज़ कुछ मंगा ली मैंने भाई, ये तो पड़ा हुआ था बहुत सारा। अरे मैंने मंगा लिया भाई, वापस जाकर देख भाई, पड़ा हुआ है बहुत सारा। चोको मैंने गलत मंगा लिया, कुछ और मंगाना था, मैंने गलती से ये मंगा लिया यार। कुछ तो क्या चेकआउट लिस्ट इज फुल, अरे यार रुक जा भाई, रुको भाई मेरे को ये चेकआउट खोलना पड़ेगा। आओ कोई इधर आओ जरा, हाँ इसको वापस कुछ भी नहीं करना भाई, तो पैसे मेरे को दे के रुका हुआ क्यों, पैसे दे के निकलना भाई, जो बंदे पूरा पैसा दे रहे हैं वो तो जाओ ना भाई सीधा। 33 चल भाई, कस्टमर इज वेटिंग, आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। बताओ भाई क्या लिया तूने, ये लो भाई बताओ, ये इसको 34.20 ये पॉइंट, चलो भाई वुडन फाइंड फरीन फ्लोर। ओके फरीन फ्लोर कौन सा है भाई, ख़त्म हो गया क्या, ये कौन सा डब्बा है भाई, ये मिल्क इधर कैसे आ गया, कोई लात मार के फेंक गया होगा। हाँ 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 फरीन फ्लोर मुझे मंगाना है भाई, देख लिया मैंने। फरीन फ्लोर किधर है, ये रहा, इसके दो मंगा के रखते हैं, क्या ये कल ऑर्डर होगा, वैसे भी आज नहीं होगा। और उसके अलावा तो गाइस आप मुझे ये बताना कि ये रूम एक तो पहले कब खुलेगा, और उसके अलावा जो अगर जो भी चीज़ें मैं मंगाता हूँ उसको अगर मैं स्टोरेज में रखूँगा तो स्टोरेज में रख के वो अपने आप रिस्टॉक होता रहेगा या तब भी मुझे ही करना पड़ेगा? अगर मुझे ही करना पड़ेगा फिर मुझे भाई इधर आके वापस से डब्बा उठा के लेकर जाना पड़ेगा, तो वो तो मेरे लिए और टेंशन वाला काम है ना। ये सुसु वाला भी चीज़ भी कम बचा हुआ है, एक रेडी ये पड़ा हुआ तो नहीं है ना। अंडा पहले मैं इधर रख देता हूँ, और ये पीनट बटर है इसको लगा देते हैं, इसको बंद करके रखते हैं भाई, खुला डब्बा नहीं रखेंगे, खुला डब्बा दिक्कत करता है, इसको इधर रख देते हैं ठीक है। ये वाला बहुत पड़ा हुआ है, इसको भी मुझे थोड़ा सेट करके, एक मिनट यार प्रॉपर सेट करके लगाते हैं। ओके ब्रेड भी मेरे ख्याल से कम पड़ा हुआ, वो ब्रेड लगा देते हैं यहाँ पे। ओके ये ब्रेड वाला ही में आएगा, शुक्र है भाई, इसको मुझे सेट करके लगाना था। अब सुसु वाला मैंने ऐड करके रख लिया है, एक तो ये पास्ता है, शायद ये पास्ता ऐड कर लेते हैं। अब मैं देख लेता हूँ चीज़ें क्या क्या नहीं है, तो मार्केट में जाकर हम लोग को एक ये आटा हो गया रेड कलर का, एक पास्ता वाला किधर भाई, गिरा पास्ता, इसके भी दो ऐड करके रखते हैं। ओके उसके बाद ये तो पड़ा हुआ है, वैसे कॉफ़ी काफ़ी पड़ी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है काफ़ी। ये चीज़ क्या है, बासमती राइस है ना, बासमती राइस के दो ऐड कर लेते हैं। ये सुसु का ऐड कर लिया ना मैंने, सुसु ऐड नहीं किया एक मिनट, तो इसके दो ऐड कर लेते हैं। और बासमती राइस, बासमती राइस ये रहा, इसके भी दो ऐड कर लेते हैं, हाँ डन। और उसके अलावा यहाँ पर पता नहीं क्या था भाई, एक सेकंड कुछ तो दिखा रहा है, ये स्पेगेटी, स्पेगेटी ख़त्म है, ये स्पेगेटी तो पड़ी हुई है ऊपर, स्पेगेटी का यहाँ पर गलत टैग लगा हुआ है। ओके और ये चाय पत्ती इधर गलत पड़ी हुई है, इसको मुझे उधर रखना है। जूस उठा के जूस रिफिल कर देते हैं, ऑरेंज एप्पल जूस, एप्पल जूस पूरा हो गया, ये इधर आएगा इसमें नहीं आएगा, इसको फेंक देते हैं ठीक है। तीनों ये वाला तुर्को, तुर्को वाला कोक ख़त्म हो गया, तुर्को वाला कोक मंगाना है अपने को। अंडे रिफिल कर देता हूँ, इसको मैं इधर फिल करके आता हूँ, इसको एक बार इधर रखते हैं ठीक है। तुर्को वाला बचा हुआ है, और पानी 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 पिला दीजिए, ये वाला पड़ा हुआ है, ये मैंने बहुत ज़्यादा मंगा लिया भाई, जैप 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 सोडा, जैप सोडा फुल कर दिया, इसको बंद करके ना। ऑलराइट इस लिस्ट में अपने को सिर्फ तुर्को मंगाना हुआ है, और बाकी मैंने उधर वाला पूरा ऐड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर तुर्को, ये तो कोला है, ये रहा तुर्को, ये दो ऐड कर लेते हैं, डन। अगले दिन में हम लोग एंटर करते हैं, और फिर हम लोग अगले दिन का ऑर्डर करते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला दिन, आज 6 प्रोडक्ट मिले नहीं और 16 प्रोडक्ट थे जो कि महंगे लगे, चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसा तो चलता ही रहेगा। कॉफ़ी, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया और पानी का प्राइस कम हो गया, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा देते हैं। कॉफ़ी किधर रखी हुई थी, कॉफ़ी ख़त्म हो गई क्या, अरे हेलो ये कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई भाई, तो पानी का प्राइस मुझे फ़िलहाल कम करना है। अरे भाई भाई साहब 20 का बेच देते हैं हम लोग पानी, और मेरे को कॉफ़ी ऑर्डर करनी पड़ेगी भाई। एक तो पहले मैं जो ऑर्डर करके रखा है ना पहले स्टॉक में उसको ऑर्डर मारता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं कॉफ़ी ऑर्डर। तो ये चिकी पी, ये बहुत सारा पड़ा हुआ, ये रे कॉफ़ी, ये दो ऑर्डर करते हैं।
इसको भी मंगा लेता हूँ मैं। चल भाई और इसको ओपन कर देते हैं। अरे बाप रे कितना सारा सामान आ गया यार। ठीक यही है ना, हाँ सही है, ये तो चाहिए यहीं पे। वैसे ये फ्लोर ये वाला भी ख़त्म ही हो गया यार, ये आटा भी मंगाना पड़ेगा। तब तक मैं ज़रा ये पूरा स्टॉक लगा देता हूँ इसमें। इसको मैं ज़रा इधर रख के देखता हूँ अभी, ठीक है इसको इधर रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये। ओके ये रही हमारी कॉफ़ी, और कॉफ़ी का मुझे प्राइस सेट करना है, और मैं ये उठा पाऊँगा क्या इससे? ठीक है इसको वापस इधर रखते हैं, इसको इधर रखता हूँ मैं। कॉफ़ी का प्राइस थोड़ा बढ़ाना है अपने को भाई, 11 हो गया है ऑलरेडी, इसको 12.50 का बेच सकते हैं हम लोग कॉफ़ी को, बिल्कुल आराम से बेच सकते हैं। ठीक है ये फरीन मैंने वैसे एक लगा दिया है, तो एक और लगा ही देते हैं इसके साथ में। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये फ्लोर भी मंगाना पड़ेगा ना, इसका भी ऑर्डर मार ही देते हैं भाई। ये आटा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया अपना, ये 2 ऑर्डर कर देते हैं इसके। अरे भाई मैं ऐड करके भूल ही गया था ऑर्डर करना, परचेज। चल कस्टमर आए, फटाफट इसका ऑर्डर मार देते हैं। हाँ जी कार्ड में 19, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कांट फाइंड सुसु, अरे मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वेट रुको 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 रुको, ये मैं बंद कर देता हूँ। ये वाला आटा भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो ये पूरा आटा का लगा देते हैं स्टॉक। अभी वैसे सिस्टमेटिकली कर दिया मैंने सब चीज़ें, तो कोई भी चीज़ अभी ख़त्म नहीं होने वाली जल्दी से। तो इसको मुझे एक सेकंड, मैं इसको ना इसमें रखता हूँ। बंदा पता नहीं कुछ तो कंप्लेंट करके गया, उसको कुछ मिला नहीं। ये कॉफ़ी दर तो फुल है। चल भाई सुसु भी रिफिल कर देते हैं पूरा, इधर 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 इधर। चल डन, ये वाला शायद यहीं पर आएगा, ये बासमती राइस है। ओके इसको फेंको, बासमती राइस पूरे फुल कर देते हैं भाई। आज गुडन फाइंड तो नहीं आना चाहिए वैसे, वो एक कंप्लीट तो आ चुका है सुसु का, बाकी और किसी चीज़ का नहीं आना चाहिए। ये देखो ये ऑलमोस्ट ख़त्म था हमारा, ये देखो ख़त्म हो रखा है यहाँ पे। अब किसी ने कंप्लेंट किया होगा, मैं बाहर घूम रहा हूँगा तो पता नहीं, बट मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की कंप्लीट आज। ये लगा दिया, और इसके बाद ये एक और एक्स्ट्रा मंगा लिया था हमने। हाँ ठीक है, ये पानी वाला वैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, तो ये सॉरी मिल्क वाली जो बॉटल है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होती है, ये अपन मंगा के रखते हैं। ये कहाँ गई पानी वाली बॉटल, ये 2-3 मंगाते हैं इसकी भी, और इनको मैं इधर नहीं रखूँगा, इनको मैं उधर रखता हूँ। फिर देखते हैं हम लोग ये स्टॉक में से यूज़ होता है कि नहीं, स्टोरेज है उसमें से यूज़ होता है कि नहीं होता है, ये मुझे चेक करना है बस। ओके अब मेरा मैं काउंटर खोल देता हूँ, आ जाओ भाई जिसको। चीज़ एक्सपेंसिव है भाई, क्या बात कर रहा है तू यार, 50 भी उतने रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से फिर भाई, बहुत ज़्यादा प्राइस हम लोग रख ही नहीं सकते। इसको चीज़ महंगा लगा, ठीक है लो भाई क्या था कार्ड, 15.50। चलिए सर, हाँ जी मैडम आपका कॉफ़ी, ठीक है मेरे ख्याल से कॉफ़ी तो कोई महंगा नहीं कह रहा है, 5 वापस करने हैं। लीजिए मैडम, ऑल राइट। अबे इसने कॉफ़ी को एक्सपेंसिव बोल दिया यार, अभी क्या ही बोलूँ भाई मैं। ठीक है भाई फिर ऐसा है तो 50 तो मैं एक्स्ट्रा बेच सकता हूँ, 50 भी ज़्यादा नहीं बेच सकता, या फिर बैठ नहीं सकता यार, मुझे बैठ के चेक करना है एक बार ज़रा, ये पता तो चले क्या चीज़ का कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है इधर की चीज़ें तो है ऑलमोस्ट, अब ये ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं था मेरे ख्याल से, तो इधर देख लेते हैं। एप्पल का जूस, ठीक है एप्पल जूस मंगवाना पड़ेगा, और मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। एप्पल जूस एप्पल जूस एप्पल जूस किधर भाई, मेरा 2 मंगा के इसको मैं उधर रखता हूँ। फिर देखते हैं ये लोग ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं या नहीं करते, इसको ओपन करके हम लोग इधर रख देते हैं। मेरे को लग नहीं रहा यार ये लोग यूज़ करेंगे, कस्टमर वेटिंग। रुको भाई रुको, आया भाई आया, रुको 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 रुको, रुको, रुको। ठीक है भाई ये बंदे ने कितना सामान लिया, मज़ा आ गया। हाँ जी 56.60, अरे इतना सामान लेने के बाद भी इतना कम कैसे होता है भाई, इनको कुछ भी ऑफर नहीं करना। ठीक है ये देखो भाई दोनों एक जैसी बहने बहने, इसको भी वापस कितना करना है, 9.50। चलो मैडम ऑल राइट, ठीक है भाई मैं अपना भी काउंटर बंद कर रहा हूँ, उधर ही जाओ जिसको भी वो करना है। यहाँ से इसको ज़रा रिफिल कर देता हूँ, ख़त्म हो गया भाई ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इधर से कुछ यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ यार, सब वैसा ही पड़ा हुआ यार, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे ये लोग, क्या करें भाई। ऐसे रात के 9 बज चुके हैं भाई, जाओ ना तुम लोग भाई, कैसे अभी तो ये लोग अभी इधर ही घूम रहे हैं।
ये सब हटा देते हैं यहाँ से। ये शेल्फ मैंने एक्स्ट्रा ही लगा रखी है भाई, इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। और ऑरेंज जूस लगा देते हैं जितना बचा हुआ है, एक आधा ही बचा हुआ है, ठीक है। ऑरेंज जूस का भी और मंगाना पड़ेगा। स्टोरेज का मुझे समझ नहीं आया भाई, फिर स्टोरेज का क्या फ़ायदा हो मुझे, मैं इधर आकर थोड़ी लेकर जाऊँगा यार, या तो ये कनेक्टेड हो जाए उधर से, तो मैं उधर से उठा के लगाता रखता रहूँगा ना। हाँ ठीक है भाई, ये वाला जूस क्या है, ऑयल ख़त्म हो गया, येलो बटर वाला ऑयल कौन सा था, ये रहा, दो मंगाते हैं इसको भी, ये कल ऑर्डर करेंगे, ठीक है। ओके भाई ठीक है, तो वैसे हमारा स्टोर अभी के लिए बहुत सही चल रहा है, हमारा जो बंदा है बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है चीज़ों को, और कस्टमर भी काफ़ी आए हुए हैं हमारे स्टोर पे, ठीक है। तो प्रॉफिट भी हम लोगों ने अच्छा खासा निकाल लिया, डबल हो गया, और हमने बाकी अपग्रेड भी कर लिया अपने स्टोर को, स्टोरेज बॉक्स स्टोरेज रूम हमने एक परचेज कर लिया, बट उसका मुझे समझाना है, ठीक है, और ये कैसे करना है वो भी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।